दोस्तों, आज हिंदी में मैं आपके लिए एक प्रेजेंटेशन लाया हूं जिसका नाम है बायोसिमिलर दवाओं का फार्मा बाजार में उनकी भूमिका। तो बायोसिमिलर ड्रग्स क्या होते हैं? बायोसिमिलर ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो पेटेंटेड ड्रग होते हैं, इनकी अनुकृति होती है, इनके जैसे ही होते हैं, और लेकिन इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इनका ड्रग एक्शन मेन दवाओं के जैसे होते हैं, अतः ये हमें सस्ते में होते हैं। बायोसिमिलर दवाओं का फार्मा बाजार में महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रस्तुति में हम बायोसिमिलर दवाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बायोसिमिलर दवाएं जो होती है, मूल दवाओं की प्रकृति होती है, अनुकृति होती है, और जो उनकी बायोलॉजिकल संरचना का को नकल करके बनाई जाती हैं। साथ साथ ये इन दवाओं का जो ड्रग एक्शन है, यानी कि जो बीमारियों पर काम करने की प्रक्रिया है, वो काफी हद तक जो पेटेंटेड दवाएं हैं उनसे मिलती जुलती हैं। फार्मा बाजार में इनकी उपलब्ध सबसे बड़ा योगदान ये है कि इनकी वजह से मार्केट में दवाओं की उपलब्धता बढ़ती है। अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये मूल जो पेटेंटेड दवाएं हैं उनका दाम, उनकी कीमत कम करती है। इससे समाज को, रोगी को बहुत ज्यादा लाभ होता है, सस्ते में इलाज किया जा सकता है। इनका साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है? बायोसिमिलर दवाओं के निर्माण में पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, और इसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, उनके स्ट्रक्चर है, यानी जीववादी संरचना का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, उसके आधार पर इन दवाओं का निर्माण किया जाता है। इनकी विनिर्माता और गुणवत्ता की बात किया जाए तो बायोसिमिलर दवाओं के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। निर्माताओं को इन दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा के नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जिसको ICH और दूसरे रेगुलेटरी ने एक गाइडलाइंस बनाए, उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उदाहरण और प्रभाव की बात करें तो बायोसिमिलर दवाओं का उदाहरण और उनका प्रभाव फार्मा बाजार में व्यापक रूप से देखा जा रहा है। इससे रोगियों को, बीमारों को उपचार के अधिक विकल्प मिलते हैं और सस्ते उपचार उनके लिए संभव हो पाए हैं। अगर इनके वैधानिक मामलों की बात करें तो बायोसिमिलर दवाओं के निर्माण में वैधानिक मामलों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि किसी भी दवा को जब बनाया जाता है तो उसको बनाने वाली, उसको डेवलप करने वाली कंपनियां पेटेंट फाइल करते हैं, जिसको ब्रांड पेटेंट करते हैं, और उनका लाइसेंस उनके पास होता है। तो अगर आप बायोसिमिलर दवाएं बना रहे हैं तो उनकी पेटेंट को, पेटेंट एक्सपायरी, पेटेंट का ध्यान देना होता है, और जिस आप रूट से बना रहे हो उसका लाइसेंस नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इनके क्या विपरीतात्मक अधिकार होते हैं, तो इनका इस अधिकार को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इनके इससे हमें नकली दवाओं के उत्पादन से बचा जा सकता है। हमें पूरा एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो करके इन दवाओं को विकसित करना चाहिए। रोगी के लाभ, बायोसिमिलर दवाओं की उपलब्धता से रोगियों को, बीमार लोगों को सस्ते और अधिक विकल्प मिलते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप इस सेम सॉल्ट कंपोजिशन का सॉल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो सेम कंपोजिशन का आप दूसरा सॉल्ट भी खरीद सकते हो। इसका समाज में गरीब तबके के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होता है, विशेष रूप से भारत जैसे गरीब देश और साथ साथ अफ्रीका जैसे गरीब देशों के लिए एक बेहतरीन चिकित्सा लाभ इससे मिलता है। अगर हम संक्षेप में कहें तो इस प्रस्तुति में हमने देखा कि बायोसिमिलर दवाएं फार्मा बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और हमने ये भी समझा कि कैसे रोगी को इससे लाभ होता है और सस्ती दवाएं उनको उपलब्ध होती हैं।